बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्यूटर साइंस फॉर क्लास 10 एंड द चैप्टर इज चैप्टर नंबर 5। टॉपिक है हमारा सब प्रोग्रामिंग एंड फाइल हैंडलिंग। फर्स्ट पे हमारे पास डेफिनेशन है, व्हाट इज सब प्रोग्रामिंग। सब प्रोग्रामिंग मीन्स टू डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू सब प्रोग्राम्स। इसको हम लोग मॉड्यूल्स भी कहते हैं। और सब प्रोग्राम का मतलब है बच्चे एक बड़े प्रोग्राम को छोटे प्रोग्राम्स के अंदर डिवाइड करना, उसको हम लोग कहते हैं कि ये सब प्रोग्राम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शंस हमारे पास कलेक्शन ऑफ कोड्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज बिल्ट इन फंक्शन एंड व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो पहले स्टडी करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस को। फंक्शंस में हमारे पास दो टाइप्स के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिक फंक्शंस, द सेकेंड वन इज स्ट्रिंग फंक्शंस। तो पहले हम लोग न्यूमेरिक फंक्शंस को स्टडी करते हैं। न्यूमेरिक फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहले एबीएस फंक्शन है। एबीएस फंक्शन में बच्चे हम लोग के पास क्या होता है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, हमें वो रिटर्न करता है हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। इसका सिंटेक्स देखें, एबीएस ब्रैकेट में एक्स, इसकी एग्जाम्पल 10 लाइन नंबर पर प्रिंट कर दिया उसने एबीएस, और ब्रैकेट में -15 उसकी वैल्यू दे दी। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उसने माइनस का साइन शो नहीं किया, बल्कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो 15 है वो रिटर्न कर दी हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। हमें हमें सिंपल 15 शो हुआ। तो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है इंट फंक्शन। इंट फंक्शन का पर्पस है बच्चे इंटीजर। इंटीजर इंट से हमें पता चल रहा है कि इंटीजर की बात हो रही है। तो ये हमें रिटर्न करता है जो लोएस्ट इंटीजर होता है या लेस देन और इक्वल्स टू एक्स के। एक्स क्या है हमारा? एक्स हमारा वेरिएबल है, वो जिसको हमने वैल्यू अलॉट की हुई है। सिंटेक्स देखें इसका, इंट ब्रैकेट में एक्स, एग्जाम्पल में इसकी 10 लाइन नंबर पे जे इज इक्वल हमने कह दिया 3.9999। लाइन नंबर 20 पे जब हम प्रिंट करेंगे जे को और हमने इस प्रोग्राम को रन किया, तो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डेसिमल से बाद वाले जो नंबर थे 9999, उसने वो हमें शो नहीं किए, बल्कि सिंपली डेसिमल से पहले वाला जो नंबर था 3 वो हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया। तो ये वर्किंग थी इंट फंक्शन की। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज आरएनडी फंक्शन। आरएनडी फंक्शन बेटे हमें रिटर्न करता है रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। आरएनडी फंक्शन 0 और 1 के अब सेंटर में कितने नंबर्स हैं? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मिस 0 और 1 के सेंटर में कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो बेटे ऐसा नहीं है, 0 और 1 के सेंटर में बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। इसकी सिंटेक्स देखें पहले, आरएनडी स्क्वेयर ब्रैकेट एंड देन राउंड ब्रैकेट में एक्स। इसी तरीके से आपने इसका सिंटेक्स लिखना है, याद रखना है, सिंटेक्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सिंटेक्स में मिस्टेक होगी तो उसका मतलब है कि आप लोग की जो वर्किंग है उसमें मिस्टेक आएगी। एग्जाम्पल देखें इसकी, 7 एग्जाम्पल हमने दिया, तो जब हमें वो इज इक्वल उसने आउटपुट स्क्रीन पे शो किया तो वो 7.25 शो किया। इससे हमें पता चला कि 0 और 1 के सेंटर में बहुत सारे नंबर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि 0.1, 0.25, 0.15, 0.75। तो ये वर्किंग थी आरएनडी फंक्शन की। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है लॉग फंक्शन। तो बच्चे लॉग फंक्शन हम लोगों ने 10th में पढ़ा है मैथ्स में, लॉग का चैप्टर पूरा कंप्लीट। लॉग का पता है आप सबको क्या होता है? लॉग फंक्शन की वर्किंग ये है कि लॉग फंक्शन हमें रिटर्न करता है किसी भी नंबर का नेचुरल लॉगरिथम। इसके अंदर अगर हम ऐसे ही लाइन नंबर 10 पे प्रिंट करेंगे लॉग 10, तो वो हमें 10 का जो लॉग है वो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। नेक्स्ट देखें डेट स्ट्रिंग फंक्शन। तो बच्चे डेट स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो इसमें हमें डेट शो करता है और डेट जो भी करंट डेट होती है। इसका सिंटेक्स देखें, इसके दो सिंटेक्स हैं, डेट स्ट्रिंग जस्ट सिंपल, और इसके अलावा डेट स्ट्रिंग इज इक्वल वी स्ट्रिंग। जब हम डेट स्ट्रिंग फंक्शन जस्ट अप्लाई करेंगे तो हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डेट शो हो जाएगी, और जब हम सिंटेक्स लगाएंगे डेट स्ट्रिंग इज इक्वल वी स्ट्रिंग का, तो फिर वो क्या करेगा, वो हम लोग को सिलेक्शन का बोलेगा कि आप सिलेक्ट करें कि आप जो करंट डेट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से वो डेट जो है वो सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो दिमाग में क्लिक कर रहा होगा अभी आप सबके,
कि मिस हम लोग तो बात कर रहे थे न्यूमेरिक फंक्शंस की, तो डेट्स के आगे स्ट्रिंग का साइन क्यों आया है? तो बच्चे डेट के आगे स्ट्रिंग का साइन इस वजह से आया है कि डेट तो ऑब्वियसली न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जो उसके सेंटर में कॉमास वगैरह आते हैं वो न्यूमेरिक नहीं है, वो स्पेशल करेक्टर्स हैं। तो हमने बात किया था कि स्पेशल करेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स, ये सारे करेक्टर्स जो हैं ये फॉल करते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे डेट के आगे स्ट्रिंग का फंक्शन आया है, स्ट्रिंग का साइन आया है। सॉरी, ये बात हो गई न्यूमेरिक फंक्शंस की। अब आगे हम लोग ने स्टडी करने हैं स्ट्रिंग फंक्शन, तो लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रिंग फंक्शंस। नेक्स्ट है बच्चे स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रिंग फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग का मतलब है करेक्टर्स ऑफ डिफरेंट करेक्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट करेक्टर्स, जिसमें स्पेशल करेक्टर्स भी आते हैं, अल्फाबेटिकल करेक्टर्स भी आते हैं, न्यूमेरिक करेक्टर्स भी आते हैं। जो ओवरऑल टोटल करेक्टर्स हैं वो सारे फॉलो करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर। इसके अंदर सबसे पहला जो फंक्शन है वो है VL फंक्शन। इसकी हम लोग वर्किंग देखते हैं। तो बेटे VL फंक्शन की वर्किंग ये है कि ये हमें रिटर्न करता है जो भी हमने वैल्यू या एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो हमें जस्ट वो वैल्यू हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करता है। इसका सिंटेक्स है VAL x string। स्ट्रिंग फंक्शन के जितने भी फंक्शंस हम लोग अप्लाई करेंगे उन सबके साथ स्ट्रिंग का साइन आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी कैटेगरी जो है वो स्ट्रिंग की है। तो VAL x string इसका सिंटेक्स है। एग्जाम्पल देखिए इसकी, जब हम लाइन नंबर 10 पे प्रिंट करेंगे VAL के साथ 78 सिटी लाहौर, जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने बात की कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करता है। तो उसने क्या किया, उसने 78 हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो कर दी। इसी तरीके से अगर 78 बाद में होता और सिटी लाहौर पहले होता तो वो हमें कुछ शो नहीं करता, वो जीरो शो करता। हमेशा याद रखना है कि VAL फंक्शन तब हमें वैल्यू रिटर्न करता है जब वैल्यू जो है न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो एक्सप्रेशन के स्टार्ट में हो। नेक्स्ट है हमारे पास मिड स्ट्रिंग फंक्शन। तो मिड स्ट्रिंग फंक्शन बच्चे हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड करता है मिड से जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया होता है एक्सप्रेशन का वो रिटर्न करता है। इसको देखते हैं, जो सिलेक्टेड पार्ट होता है वो रिटर्न करता है। इसका सिंटेक्स देखें, वी स्ट्रिंग इज इक्वल मिड स्ट्रिंग ब्रैकेट में एक्स जो है वो हमारा उसका वेरिएबल का नेम है, स्ट्रिंग का साइन साथ में क्योंकि कैटेगरी स्ट्रिंग है, एन जो है उसका वो ये है कि हम लोग कहाँ से उसकी जो सिलेक्शन है उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, और एम जो है वो शो कर रहा है कि किस लिमिट तक हम लोग चाहते हैं कि हमें जो एक्सप्रेशन है या वैल्यू जो है वो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो उसकी लेंथ कितनी हो। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, लाइन नंबर 10 पे हम लोगों ने ए वेरिएबल का नेम स्ट्रिंग इज इक्वल हमने कह दिया कि वो है वी लव पाकिस्तान के। जब हमने इस प्रोग्राम को मिड स्ट्रिंग के फंक्शन के साथ प्रिंट किया और वेरिएबल का नाम ए स्ट्रिंग दिया, हमने स्टार्ट करवाया 4 से और उसकी लेंथ थी 4। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो काउंट करेगा W एक करेक्टर, E सेकंड करेक्टर, स्पेस जो उन दो वर्ड्स के सेंटर में प्रेजेंट है वो थर्ड करेक्टर, एंड द फोर्थ वन इज L। तो उसने L से प्रिंट करना स्टार्ट किया और आगे वो उसकी लेंथ हमने दी थी 4 करेक्टर्स की। तो वो देखेगा कि 4 करेक्टर्स कहाँ पे हैं, तो 4 करेक्टर L O V E ये 4 करेक्टर्स थे। तो उसने हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 4 करेक्टर्स जो थे वो शो कर दिए। ये वर्किंग थी मिड स्ट्रिंग फंक्शन की। बच्चे हमारे पास है राइट स्ट्रिंग फंक्शन। तो राइट स्ट्रिंग फंक्शन हमें रिटर्न करता है एक्सप्रेशन के राइट साइड से जो सिलेक्टेड पार्ट होता है वो हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करता है। इसका सिंटेक्स देखें, राइट स्ट्रिंग x हमारे पास वेरिएबल का नेम साथ में स्ट्रिंग का साइन, और i जो है वो लिमिट है। इसकी एग्जांपल देखें, लाइन नंबर 10 पे हमने a वेरिएबल के नेम से, a स्ट्रिंग के नेम से हमने इज इक्वल दे दिया डिस्क ऑपरेटर के। जब लाइन नंबर 20 पे प्रिंट किया हमने राइट स्ट्रिंग a स्ट्रिंग और उसकी लेंथ दे दी हम लोगों ने 5। तो जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, इस फंक्शन को रन किया, तो उसने हमें राइट साइड से जो ए वेरिएबल के अंदर करेक्टर्स प्रेजेंट थे उसमें राइट साइड से 5 करेक्टर्स जो थे वो थे RATOR, वो उसने हमें हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो कर दिए। तो ये वर्किंग थी राइट स्ट्रिंग फंक्शन की। नेक्स्ट देखते हैं CHR स्ट्रिंग फंक्शन। इसकी वर्किंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बच्चे CHR स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो हमें रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, वो वैल्यू जो हम लोग उसको असाइन करते हैं उसका जो रेलेवेंट वैल्यू है ASCII कोड के अंदर वो हमें रिटर्न करता है हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। ASCII कोड्स क्या है, ASCII कोड्स हमारे पास एक टेबल है जिनको हमने कुछ वैल्यूज को कोड्स दे दिए हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि वो ASCII कोड्स का
सेट है या आस्की कोड के टेबल के अंदर हमने उनको कोड्स दे दिए हैं। तो सिंटेक्स इसका है सी एच आर स्ट्रिंग एन एन, यहाँ पे वो नंबर है जो हम जिसके इक्विवेलेंट नंबर जो है हम फाइंड करना चाहते हैं आस्की कोड में से। तो लाइन नंबर 10 पे उसने प्रिंट कर दिया सी एच आर स्ट्रिंग 65। जब उस इस प्रोग्राम को रन किया तो उसने हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ए शो किया, कैपिटल ए। कैपिटल ए उसने इस वजह से शो किया क्योंकि आस्की कोड के अंदर 65 इक्विवेलेंट है कैपिटल ए के। तो ये समझ में आ गया आपको, ये थे आपके स्ट्रिंग फंक्शंस। और आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, इसमें जो लर्निंग के लिए है आपका वो आप लोगों ने इनके पर्पस, जो फंक्शंस हैं इनके पर्पस, इनके सिंटेक्स और एक एक एग्जांपल मस्ट याद करनी है। चाहे वो आपसे पेपर में इसकी एग्जांपल आपसे पूछी जाए या नहीं पूछी जाए, बोर्ड में भी याद रखना है कि आपकी एग्जाम्पल पूछें इससे या ना पूछें। आपने जब भी आपको कोई फंक्शन आ जाएगा आपने उसका पर्पस, सेंटेक्स और एग्जाम्पल मस्ट लिखनी है। तो ये इन फंक्शंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चंस का। इसमें बहुत सारा स्टफ जो है वो प्रेजेंट है, तो इसके मुताबिक आपने इसकी लर्निंग करनी है। आई होप कि अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसमें जब हमने अभी पहले तक बात की थी, हमने बात की थी बिल्ट इन फंक्शंस की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस बच्चे वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइन कर दिए होते हैं, प्रोग्रामर ने खुद से बना दिए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस बच्चे हमारे पास वो फंक्शंस हैं जो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं। जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक फंक्शन बार बार हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बार बार हमें उसकी वर्किंग जो है वो लिखनी पड़ रही है, तो हम कहते हैं कि क्यों ना इसका एक फंक्शन बना दिया जाए कि जब हम उसका नेम लिखें तो उसकी वर्किंग जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद परफॉर्म हो जाए, हमें खुद से बार बार ना वो टाइप करना पड़े। तो हम लोग एक सोचते हैं कि हम लोग को एक जो इसकी फंक्शन है वो बना देना चाहिए। तो हम लोग डेफ एफ एन फंक्शन के थ्रू इसकी वर्किंग जो है वो करते हैं। डेफ एफ एन हमारे पास एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग आगे फंक्शन बना सकते हैं। डेफ का मतलब है यहाँ पे डिफाइन, एफ एन का मतलब है फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखें, दिस फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन बाय द चॉइस ऑफ द प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर की चॉइस से फंक्शन नया फंक्शन बनाने में हमारी हेल्प करता है। इसकी एग्जांपल देखें, ए बी सी इज इक्वल एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एक्स। मैं चाहती थी कि एक फंक्शन मैं ऐसा बनाऊं जिसमें एक्स की वैल्यू एक्स से ही मल्टीप्लाई हो एंड देन एक्स के साथ ही प्लस कर दी जाए। तो मैंने उसको, मैं चाहती थी कि उसका नेम ए बी सी हो, मैंने ए बी सी इज इक्वल एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एक्स कहा। तो जब मैं ये फंक्शन बनाऊंगी इसका सेंटेक्स मैं लिखूंगी लाइन नंबर, उसके आगे डेफ एफ एन के फंक्शन दूंगी। डेफ और एफ एन के सेंटर में आपने स्पेस देनी है, ये बात याद रखनी है हमेशा। नेक्स्ट नेम आर्ग्यूमेंट, बच्चे जो चीज़ ब्रैकेट में प्रेजेंट होती है हमारे पास हम उसको कहते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर जो उसकी वर्किंग जो भी मैं परफॉर्म करवाना चाहती हूँ वो आएगा। तो जब मैं ये फंक्शन अप्लाई करूँगी, ये स्टेटमेंट अप्लाई करूँगी, तो मेरा जो फंक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। अब उसको वो रेडी होगा कि मैं कहीं पे भी अगर ए बी सी लिखूँगी तो मेरे फंक्शन की जो वर्किंग है वो परफॉर्म कर दी जाएगी। तो ये बहुत इजी टॉपिक था, इतना डिटेल्ड टॉपिक नहीं था यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने लर्निंग करनी है, इसकी इसको याद करना है। मिलते हैं तब तक के लिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।